अंकल चाय चाय पीनी है। चाय पठान की पीना, पठान की चाय, पठान की। भाई मुझे आप लोग का तो नहीं पता, लेकिन अपना पता है कि मेरा दिन चाय के बगैर शुरू नहीं होता। तो आइए चलते हैं चाय पीने। गरम गरम चाय आ गई है और अब दिन का आगाज हो गया मेरे, तो अब खत्म करते हैं इसे और फिर बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, खुश आमदीद, मैंने चाय पी ली है, मेरे दिन का आगाज़ हो गया है। तो आज फिर से अपने हथियार के साथ रेडी हैं और अब हम जा रहे हैं पुराना कराची यानी कि सदर, और अगर बर्गर लैंग्वेज में कहें तो डाउन टाउन। तो आइए चलते हैं। जा रहे हैं गोश्त मार्केट और बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेरी तबीयत खराब है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन हमने सरवाइव कर लिया। अब हम और देख रहे हैं। अभी हम पहले आए हुए हैं एम्प्रेस मार्केट जो कि सदर में है और सुना है काफ़ी अच्छी जगह है ये और अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप भी देखें, हम भी देखते हैं। तो भाई अभी हम आए हुए थे एम्प्रेस मार्केट कराची जो कि ब्रिटिश शहर में बनी थी और तब भी वो मार्केट थी और आज भी वो मार्केट ही है। और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, यहाँ पे आपको हर किस्म के पेट मिल जाते हैं, ड्राई फ्रूट मिल जाता है, सब्ज़ी मिल जाती है, फ्रूट मिल जाते हैं और गोश्त मिल जाता है। और यहाँ पर आपको लकी वन डोमिनोज से ज़्यादा चाइनीज़ भी मिल जाते हैं। तो आप भी आइए और देखिए। अब हम आगे जा रहे हैं कहीं। भाई सब छोड़े हैं, घूमना फिरना छोड़े हैं, फोटोग्राफी छोड़े हैं। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे अंकल का नाम पता है क्या है? कल आपका नाम क्या है? नाम बताएं अंकल अपना। जी मेरा असल नाम जैनिल बलोच है। ओहो जैनिल, मतलब भाई नाम भी फुल अंग्रेजों वाला रखा है अंकल ने। अंकल को हमारा हमेशा से मूड था कि अंकल अमेरिका जाएंगे तो अंकल जा नहीं सके, लेकिन नाम बिल्कुल अंग्रेजों वाला रख लिया, जैनिल। लेकिन सब प्यार से अंकल को अहमद बुलाते हैं क्योंकि वो थोड़ा मुसलमान वाला फीलिंग है। हाँ तो वह अभी वहाँ जा रहे हैं जहाँ हर कोई महिला, हर कोई फोटोग्राफर पिक्चर खींचने चला जाता है। जी हाँ, फेयर हॉल, सही समझे आप। I got it.
हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि फिर वो जगह है जहाँ पे लोग पिक्चर लेने आते सिर्फ, और आप देख सकते हैं ये वही जगह है इसी तरह की, ये सिर्फ पिक्चर के लिए रहेगी और बस। तो अभी हम गए थे फेयर हॉल। फेयर हॉल ब्रिटिश एरा में एज अ टाउन हॉल सर्व होता था, लेकिन अब यहाँ पे एग्जीबिशन सकते हैं, आर्ट एग्जीबिशन, और लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने आते हैं, हर तरह के लोग, और वीडियोग्राफी भी। और एक फन फैक्ट है यहाँ पे, एक ऊपर मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई वीडियो के अंदर, वहाँ पे ऊपर पेंटिंग बनी हुई थी, वो सादिक ने बनाई थी, और सादिक वो पूरी पेंटिंग कम्प्लीट करना चाह रहा था, लेकिन बेचारा आधी कम्प्लीट करते करते मर गया, और इसका जो एक पार्ट है ग्रीन पार्ट वो आज तक इनकम्प्लीट है। सुनने में आया था कि वो ऊपर कंप्लीट करते करते गिर गया था। तो बस ऐसा भी होता है, हम भी कहीं कंप्लीट करते करते मर ना जाए ये व्लॉग। तो भाई अभी हम आए हुए हैं ट्रेन स्टेशन, और ये काफ़ी अच्छी जगह है, कुछ ज़्यादा ताज़ा करते आ जाइए। लाहौर से आने वाली 16 मैं बोल लूँ। हाँ, तो अभी हम गए हुए थे ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन का तो पता ही होगा, यहाँ से आते भी हैं जाते भी हैं, आते जाते रहते हैं वही। और अब हम जा रहे हैं घर घर, तो फिर घर में ही मुलाकात होगी हमारी। अल्लाह हाफिज़। तो भाई मैं आ गया पुराने कराची से नए कराची में अपने, और अब पिक्चर एडिट करनी है सारी और डालनी है। तो अगर आपको मेरी पिक्चर्स देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट स्टोरीज पे होंगी पुराने कराची के नाम से, जाके आप देख सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे होगा और यहाँ पे भी आगे होगा। तो इसके बाद मुझे किसी और की वीडियो एड करनी है, और इसके बाद मुझे अपना यूनिवर्सिटी का काम करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुल गई है तो काफ़ी कुछ काम है यूनिवर्सिटी का। इसके बाद ब्लॉग एडिट करना है ये वाला, और एक और ब्लॉग एडिट करना है। तो बस पूरी रात इसी में गुजरेगी। बस दुआ करिएगा आप लोग मेरे लिए। टाटा बाय बाय।